भूटा के आसपास के लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। आसपास के गांवों के लोगों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज भूटा अस्पताल में लाने पर लोग सहमे हुए हैं। करेर पंचायत के तहत आने वाले गांव शुक्रखट के निवासियों ने बताया कि चैरिटेबल अस्पताल में दो कोरोना के मरीज आने से लोग काफी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों के द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है। आपको बता दें कि पहले हमीरपुर जिला में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले भूटा चैरिटेबल अस्पताल में दो कोरोना के केस आने से लोगों में काफी डर पैदा हो गया है। करेर पंचायत की वार्ड पंच महिला निर्मला का कहना है कि पहले जिला में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ऊना से दो मरीजों को शिफ्ट किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों में डर पनप रहा है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और बिना ग्लव्स के अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। पहले हमारे हमीरपुर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं था, अब भूटा में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गए हैं, इसलिए सब लोग बहुत डरे हुए हैं और अपनी सेफ्टी के लिए अपने घरों में ही रह रहे हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो बड़ी मतलब अपने हाथों में ग्लव्स और अपने मुंह में मास्क लगा के निकलते हैं और काफी दूरी बनाए रखते हैं। वहीं सब्जी विक्रेता अवतार सिंह ने बताया कि भूटा चैरिटेबल अस्पताल में कोरोना का मरीज आने से लोगों में काफी डर पनपा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति उनकी दुकान में सामान लेने पहुंचता है तो वे काफी दूरी बनाकर ही उन्हें सामान देते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना बीमारी के प्रति लोग काफी एहतियात बरत रहे हैं ताकि कोरोना बीमारी को दूर भगाया जा सके। हम शुक्रगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे नजदीक जो कोटा के नजदीक जो अपने हॉस्पिटल में आए हुए मरीज है, उनसे थोड़ा गांव में भी धड़कन पैदा हो रही है कि नजदीक हमारे इतना हो गया। डर तो है ही है, बाकी लोगों ने काफी सेफ्टी रखी हुई है, अपनी बॉक्स वगैरह लगा के रखे हैं और दूर दूर रहते हैं।